हेमेंद्र कुमार एंड कंपनी ने 100 रुपये वाले 10,000 समता अंश इक्विटी शेयर 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। 100 रुपये वाले 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया, ठीक है। राशि इस प्रकार दे थी, 20 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन पर प्रीमियम सहित, 30 रुपये में प्रीमियम शामिल है, 20 रुपये प्रथम मांग मतलब फर्स्ट कॉल पे, और शेष 40 रुपये द्वितीय एवं अंतिम मांग पर। सभी राशि यथासमय प्राप्त हो गई, कंपनी पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। 100 रुपये वाले 10,000 इक्विटी शेयर है ना, इसमें 10% क्या है, प्रीमियम है, तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे एक शेयर की वैल्यू है, ठीक है, एक शेयर की वैल्यू कितना, 100 रुपीज़। इसमें 10% प्रीमियम ऐड है, 10% प्रीमियम इसमें ऐड है, 10% प्रीमियम। अब मैं 100 का 10% निकालूँ तो कितना होता है, 10 रुपीज़, टोटल जाएगा मेरा 110। ये मेरे शेयर की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन बोला एप्लीकेशन, टोटल 110 होना चाहिए, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल भी है और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी है, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी है ना हमारे पास, ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। एप्लीकेशन क्वेश्चन में हमारा बोला है 20 रुपीज़, ये 20 रुपीज़, अलॉटमेंट हमारा 30 रुपीज़, फर्स्ट कॉल दिया है 20 रुपीज़, और सेकंड एंड फाइनल कॉल बोला है हमारा 40 रुपीज़। 20, 30, 20, 40, टोटल हो जाता है 110 रुपीज़, आगे 110, ठीक है। अभी 30 रुपीज़ जो अलॉटमेंट है उसमें बोला कि 10 रुपीज़ प्रीमियम है, P4 प्रीमियम। अगर 30 रुपीज़ में 10 रुपीज़ प्रीमियम है तो 20 रुपीज़ किस में जाएगा, कैपिटल में। अलॉटमेंट के 30 रुपीज़ में 10 रुपीज़ अगर प्रीमियम है तो 20 रुपीज़ कहाँ जाएगा, कैपिटल में, ठीक है। तो मैं इसका जनरल एंट्री करता हूँ, मैंने कॉलम खींच दिया है, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ, या फिर जर्नल ऑफ हेमेंद्र एंड कुमार एंड कंपनी, हेमेंद्र हेमेंद्र कुमार एंड कंपनी, हेमेंद्र कुमार एंड कंपनी, ठीक है। सेम वही हमारे पांच कॉलम, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। डेट नहीं दिए तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर बोला क्वेश्चन में, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जैसे हमारा हमेशा की तरह एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। कितना शेयर है हमारे पास, 10,000 इक्विटी शेयर है, 10,000 इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन कितना है, एप्लीकेशन 20 रुपीज़ है ना, एप्लीकेशन हमारा 20 रुपीज़ है, तो 20 रुपीज़ के हिसाब से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 10,000 का 20 के हिसाब से, तो 2 लाख रुपए आ जाएगा, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक है। ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में पैसा जो आया है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। ये नॉर्मल कैपिटल नहीं है, ये क्या है, कंपनी के जो शेयर होते हैं, जो कैपिटल होते हैं वो शेयर कैपिटल कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है शेयर का इक्विटी, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव लिखे थे, एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन, ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर, ठीक है। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री हम लोग जैसे ये एप्लीकेशन दो एंट्री करते हैं, वैसे अलॉटमेंट का दो एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट था, वैसे यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसे ये था सेम वैसे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट 30 रुपीज़ था, 30 रुपीज़ के साथ में क्या था, बोला था 30 रुपीज़ में 10 रुपीज़ प्रीमियम में जाएगा और 20 रुपीज़ कैपिटल में जाएगा, ठीक है। तो मैं सामने दिखाता हूँ आप लोग को कि बोला है 30 रुपीज़ जो है हमारा, 30 रुपीज़ में 10 रुपीज़ प्रीमियम में जाएगा, 20 रुपीज़ कैपिटल में। क्वेश्चन बोला है कि 10 रुपये प्रीमियम उसमें जुड़ा हुआ है, अधिलाभ जो हमारा है प्रीमियम जो है उसमें शामिल है ना, प्रीमियम हमारा जुड़ा हुआ है। तो उसको कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे एंट्री करते समय, भाई कि 10,000 हमारे पास शेयर है, 10,000 का 30 रुपीज़ के हिसाब से है, 3 लाख रुपये हमारे पास आया है, मंगाएंगे ना, ड्यू करेंगे हम लोग 10,000 से का 30 रुपीज़ का 3 लाख रुपये। इस 10,000 शेयर का 20 रुपीज़ कहाँ जाएगा, कैपिटल में, 10 रुपीज़ कहाँ जाएगा प्रीमियम में, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 10,000 शेयर का 10 रुपीज़ के हिसाब से, 10,000 का 20 के हिसाब से 2 लाख रुपये, ठीक है, और 1 लाख रुपये बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू लिखते थे हम लोग एंट्री में, अलॉटमेंट अमाउंट पहले हम लोग सिर्फ ड्यू लिख देते थे ना, अब यहाँ पे प्रीमियम भी है तो विथ प्रीमियम लिख देंगे, विथ प्रीमियम, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा एंट्री नॉर्मल जैसे हम लोग करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 3 लाख रुपये डेबिट हुआ था, पूरा 3 लाख रुपये हमारे बैंक में आ जाएगा, ठीक है। ये 3 लाख कैसे आया, 2 लाख कैसे आया, 1 लाख कैसे आया, देखो मैं यहाँ ब्रैकेट में मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब बैंक वाला तो क्या लिखते हैं, बताया था ना मैंने, बैंक वाला तो क्या लिखते हैं हम लोग, रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल का एंट्री करेंगे, पाँचवा एंट्री छठवा एंट्री जो हमारा फर्स्ट कॉल का होगा, है ना। पांचवा एंट्री हमारा फर्स्ट कॉल का, इक्विटी शेयर फर्स्ट ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, और वन करके भी लिख सकते हैं ना, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना है, फिर वही 10,000 शेयर का 20 रुपीज़ के हिसाब से कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए, ठीक है। बीइंग बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, कैपिटल एंट्री में क्या लिखते हैं, ड्यू लिखते हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, ठीक है। फिर सिक्स एंट्री कैपिटल वाला एंट्री हो गया, अब बैंक वाला एंट्री टू है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट यही 2 लाख रुपए सेम, पांचवा एंट्री की तरह फर्स्ट कॉल का 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पहले लिख दिए थे ड्यू, अब लिख देंगे रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। इसी तरह से 6 होने के बाद 7वां और 8वां एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक ठीक है। एप्लीकेशन का 2 एंट्री हो गया, अलॉटमेंट का प्रीमियम के साथ एंट्री कर दिए, फर्स्ट कॉल का 20 रुपीज़ कर दिए, सेकंड एंड फाइनल कॉल का 40 रुपीज़ आपका एंट्री बचा है, सेकंड एंड फाइनल कॉल का 40 रुपीज़, 10,000 शेयर है तो 40 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। 10,000 शेयर का 40 रुपीज़ हिसाब से हो जाएगा हमारा इक्विटी सेकंड एंड फाइनल, क्योंकि फाइनल है, लास्ट पेमेंट है,
इसलिए इसको फाइनल भी लिखते हैं, सेकंड एंड फाइनल, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम पैसा नहीं मांगेंगे। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 10,000 शेयर हमारे पास, 10,000 शेयर का 40 रुपीज़ के हिसाब से 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले में क्या कर देंगे, रिसीव लिख देंगे। जैसे बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, लास्ट वाले में क्या लिखेंगे, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, सॉरी रिसीव ना, इसमें ड्यू लिखे, इसमें रिसीव, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड, आर ई सी ई आई वी ई डी रिसीव्ड, ठीक है। इसकी एंट्री होगा, जैसे लिखा ना इक्विटी शेयर, सॉरी मेरे यहाँ पे शेयर छूट गया है ना, इक्विटी शेयर, तभी मैं बोलूँ जगह कैसे हो गया, इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, सेकंड ऐसा भी लिख सकता हूँ, सेकंड है ना इस तरह से, या फिर से टू करके एंड, सेकंड एंड फाइनल, सेकंड एंड, ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। ये सेम 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। अब आप इसका टोटल कर सकते हो, ठीक है, टोटल हो जाएगा हमारा, जैसे मैं एक साइड का टोटल करता हूँ, डेबिट साइड का करता हूँ, क्रेडिट साइड भी सेम आ जाएगा, जैसे 4 लाख, 4 लाख, 8 लाख हो गया, 8 लाख के बाद इधर 8, फिर 2, 8, 2, 10, 2, 12 लाख, 12 और 3 15 लाख, और ये 3, 18 लाख, 18 और 2, 20, और ये 2, 22 लाख रुपये, ठीक है। तो 22 लाख रुपये इधर 20 लैक्स, 22 लाख रुपये, 22 लैक्स रुपीज़, ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट।